सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के साथ। बाकी आप आज हमें आए हैं एक्टिवा 125 BS6 की साइलेंसर वेल्डिंग कराने। साइलेंसर का जो आगे का बेंच होता है वो हम पूरा चेंज कर रहे हैं। बाकी एक बार हमने वेल्डिंग भी कराई थी, वेल्डिंग चुकी नहीं, और आपको दिखाते हैं हमने वेल्डिंग कैसा बेंच पर डाला है, क्या है आपको समझाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये एक्टिवा 125 BS6 है। तो इसका बेंच पैक आगे का टूट जाता है बोल्ट लूज होने के खातिर, बोल्ट पीछे के लूज़ हो जाते हैं। ये देखिए साइलेंसर रखा हुआ है, इसके जो दो बोल्ट आते हैं ये ढीले पड़ जाते हैं, इसके कारण ये बीच में से यहाँ से इस जगह से ये क्रेक हो जाता है। और देखिए क्रेकिंग एक बार वेल्डिंग भी करा दिया इस पर, देख सकते हैं आप। बाकी हमने जो बैंड पेप है ये दूसरा लगाया है इसमें। बाकी ये पूरा बैंड पेप जो अंदर तक गया है पूरा चेंज कराया, नया है ये। बाकी इसे वेल्ड कराने लाए हम और आपको दिखाएंगे वेल्डिंग कैसी होती है। बाकी आज मौसम में थोड़ी चेंजिंग है, देख सकते हैं धूप नहीं है आज, और 11 बजे का टाइम हो चुका है। भीमताल के अंदर धूप नहीं है, बाकी मौसम बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा कूल कूल। बाकी ट्रैफिक चल रहा है, गोरखपुर रोड है ये, भीमताल का गोरखपुर रोड। बाकी हम वेल्डिंग कराते समय आपको दिखाएंगे कि कैसे वेल्डिंग होती है। बाकी ये मशीन देख रहे हैं आप, ये वेल्डिंग की मशीन है। सो गाइस, बाकी मैं वेल्डिंग कराते समय आपको दिखा नहीं पाया वेल्डिंग कैसे होती है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बाकी जो आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।